दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी क्वालकॉम आईसी में अगर एमआई का फ़ोन है आपके पास, शाओमी का फ़ोन है आपके पास और उसमें एमआई अकाउंट लगा हुआ है या मान के चलिए उसमें पिन लॉक है या पैटर्न लॉक है या एफआरपी लॉक है तो उसको आप बहुत ही आसानी से अनलॉक कर सकते हैं एडीबी मोड के जरिए से। ठीक है, तो एडीबी मोड में अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एमआई पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, फ्लैश और उसके बाद सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको रिकवरी का, तो रिकवरी वाली पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा आपको रीसेट एमआई क्लाउड साइड लोडर, ठीक है, रीसेट एमआई क्लाउड फॉर्मेट डाटा और रीसेट एमआई क्लाउड, ठीक है, साइड लोडर। तो यानी कि एडीबी मोड में, तो एडीबी मोड में आपको मोबाइल को कैसे लाना है, जैसे मोबाइल को आप ऑफ करना है, आपको ऑफ करने के बाद मोबाइल का वॉल्यूम प्लस और पावर की एक साथ दबाना है आपको, मोबाइल आपका रिकवरी मोड में जाएगा। वहाँ पे एमआई असिस्टेंट लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है आपको, मोबाइल आपका जो है एडीबी मोड में चले जाएगा। उसके बाद आपके टूल में शो करेगा यहाँ पे डिवाइस मेजर में एडीबी इंटरफेस, ठीक है, उसके बाद जो है आपका मोबाइल तो बहुत ही आसानी से यहाँ से अनलॉक होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मोबाइल जो है हमारा लगा हुआ है एडीबी इंटरफेस मोड में, यानी कि साइड लोडर में, एडीबी मोड में, यानी रिकवरी मोड में जब आप लेकर के जाएंगे तो वहाँ पे एमआई असिस्टेंट लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल एडीबी मोड, उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल एडीबी मोड में चला जाएगा और एडीबी पोर्ट बनाएगा आपके डिवाइस मैनेजर में और आपके अनलॉक टूल में भी शो करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर में एडीबी इंटरफेस शो कर रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में आपको मोबाइल को लगाना है, उसके बाद आपको जो भी अनलॉक करना चाहे, अगर एफआरपी अनलॉक करना है तो एफआरपी वाले पे क्लिक करना है और मान के चलिए अगर एमआई अकाउंट अनलॉक करना है तो एमआई वाले पे क्लिक करना है, एमआई अकाउंट वाले पे एमआई क्लाउड वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद मान के चलिए पिन पैटर्न अगर आपको अनलॉक करना है तो फैक्ट्री रीसेट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, रीसेट एमआई क्लाउड, रीसेट एफआरपी और क्या कहते हैं फैक्ट्री रीसेट। तो ये तीन ऑप्शन से आप जो है पूरा कंप्लीट काम जो है यहाँ पर कर सकते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा एमआई अकाउंट अनलॉक करने में। ठीक है, प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर रीडिंग चल रही है, आप देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से मोबाइल जो है अनलॉक हो जाएगा बिना किसी नुकसान के। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।